जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे तय हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा 42 सीटें हासिल की, वहीं उसके सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट मिली है। बीजेपी ने 29 सीट पर जीत दर्ज की है, वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को केवल 3 सीटें मिली हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जबकि एग्जिट पोल में आगे दिख रही कांग्रेस को 37 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर और बीजेपी का झंडा लेकर रोशनपुरा चौराहे पर जमा हो गए। जमकर यहां पर इन्होंने नारेबाजी की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस जश्न में मुख्यमंत्री मोहन यादव और एमपी बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने पटाखे जलाकर और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर हरियाणा में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही गठबंधन की पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा में मिले करारी हार के लिए गठबंधन के सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल के जाट वोटर्स को ठहराया है। मायावती ने हरियाणा के जाटों को जातिवादी मानसिकता वाला बताते हुए कहा कि बीएसपी को वोट आईएनएलडी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन जाट समाज का वोट उनकी पार्टी को नहीं मिला। हरियाणा चुनाव में बीएसपी ने केवल एक सीट जीती है, वहीं आईएनएलडी के खाते में महज 2 सीटें गई हैं। कोलकाता के आजीगर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि FAIMA ने आज देशव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वहीं 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन भी किया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर सीनियर डॉक्टरों का समर्थन करते हुए कहा कि डॉक्टर्स काम करने की मानसिक स्थिति में नहीं है। वहीं 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में डिफॉल्ट जमानत देने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में सत्येंद्र जैन ने ईडी को जांच को अधूरी बताया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने 27 जुलाई 2022 को हर पहलू की जांच किए बिना उनके खिलाफ अधूरी चार्जशीट दायर की है। जी न्यूज़।